हम कई बार धर्म या धार्मिक स्थलों पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि भगवान तो सब जगह पर है, फिर मंदिर क्यों जाना, तीर्थ यात्रा क्यों करनी, प्राचीन तीर्थों में कौन से अलग भगवान है जो बार बार उधर जाना। आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने वाले हैं। आज बात करेंगे गिरनार की और गिरनार तीर्थ की ऊर्जा से हो रहे चमत्कार की। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सूरत का एक परिवार मगनलाल कस्तूरी चंद मालवाड़ा वाला। परिवार में सदस्य कितने हैं? 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 25 सदस्यों का संयुक्त परिवार। ऐसा आदर्श परिवार जिनके घर में घर देरासर है। परिवार में माताजी का नाम मणि बहन। मणि बहन ने सुंदर संस्कारों के साथ 4 पुत्रों को बड़ा किया, प्रवीण भाई, मूलचंद भाई, चंदू भाई और नरेश भाई। आज चंदू भाई के बारे में कुछ रोचक जानकारी हम सब जानेंगे। आज से 23 वर्ष पहले इनकी मांसखमण करने की भावना जागी। मांसखमण यानी एक साथ 30 उपवास, लगातार 30 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं, सिर्फ पक्का पानी बस। शुरुआत हुई 28 के साथ यानी एक साथ 8 उपवास। तपस्या की जर्नी शुरू 28 की और अगले ही दिन पारणा कर लिया। एक बार फिर से कोशिश की, फिर अठम किया, अठम यानी 3 उपवास किए, फिर पारणा किया। 2-3 दिनों के बाद फिर से 7 उपवास किए, फिर पारणा। इस तरह से प्रयास किए लेकिन चंदूबाई की मांसखमण करने की भावना, उनकी मांसखमण करने की इच्छा अधूरी ही रह गई। जो सोचा था वो हुआ नहीं था, इसलिए तुरंत एक नियम लिया कि जब तक मेरे जीवन में मांसखमण यानी 30 उपवास नहीं करूंगा तब तक फ्रूट्स का त्याग। 1-2 फ्रूट का त्याग समझ सकते हैं लेकिन इन्होंने सारे फ्रूट्स का त्याग कर दिया। समय बीता, दीक्षा के लिए खुद तो तैयार हुए, साथ ही पूरा परिवार तैयार हो गया। सब तैयारियां चल रही थी तभी कर्म सत्ता ने अपना दाव खेला। चंदूबाई को सीवियर हार्ट अटैक आया। समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच गए। इलाज हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बाईपास करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दीक्षा के सपने लिए जब वह व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हो तो परिवार की क्या हालत होती है एक बार कल्पना कर सकते हैं। तब चंदूबाई ने कहा कि चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और हम सब मिलकर दीक्षा लेंगे। मेरे साथ भले जो भी हो, पक्का दीक्षा तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर की टीम आई और कहा कि आपको अभी लिक्विड पर ही रहना पड़ेगा, इसलिए आपको फ्रूट जूस पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन चंदूबाई ने फ्रूट्स का त्याग किया हुआ था। चंदूबाई ने कहा कि फ्रूट जूस नहीं लूंगा। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 2-3 दिनों तक आपको फ्रूट जूस पर ही रहना पड़ेगा, लेकिन चंदूबाई ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ऐसा चंदूबाई ने कहा। डॉक्टर भी इतनी मक्कमता देखकर हैरान रह गए। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था फिर भी फ्रूट जूस तो नहीं ही लिया। ट्रेनिंग पूरी हुई। फागन सुदी 8 तारीख 1 मार्च 2012 के दिन चंदूबाई की उनके परिवार सहित दीक्षा हुई। उनका नाम रखा गया मुनिराज श्री चित्ररत्न विजय जी महाराज है। दीक्षा से पहले की एक घटना जानने जैसी है। चंदूबाई को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। विदाई समारोह पूरा हुआ, जहां पर वे रुके हुए थे कार्यक्रम के पश्चात वहीं पर लौटे और कहने लगे कि अरे अरे, ये मेरे बारी बारी कपड़े निकालिए, ये आभूषण निकालिए और एसी चालू कीजिए। इतना ही नहीं, चंदूबाई के साले जी ने कहा कि जीजा जी, कल तो आपकी दीक्षा है, कल से आपको एसी तो क्या पंखा भी नहीं मिलने वाला है, पता है ना। चंदूबाई ने बिंदास कहा कि कल का कल देखेंगे, आज तो एसी चालू करो। मुमुक्षु के मुख से ऐसे शब्द सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अगले दिन सुबह दीक्षा के लिए जा रहे थे तब डॉक्टर संजय भाई ने, जो उनके पास थे, उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, तो तुरंत कार में जाकर बैठ गए और एसी चलवा दी। कोई भी व्यक्ति यह दृश्य देखेगा तो यही सवाल करेगा कि यह व्यक्ति दीक्षा कैसे ले रहा है और ले भी लेगा तो पालन कैसे कर पाएगा। दीक्षा पूर्ण हुई, सब उपाश्रय में गए और बड़े साले जी ने फिर से पूछ ही लिया कि बहनोई महाराज साहेब, क्या हुआ, दीक्षा के बाद अब गर्मी नहीं लग रही है क्या? तो चंदूबाई यानी नूतन दीक्षित महाराज साहेब ने सुंदर उत्तर दिया कि पूरी दुनिया का भार उतर गया, अब कौन सी गर्मी लगेगी, अब तो आनंद ही आनंद है। दीक्षा के पश्चात सुंदर साधना चल रही थी लेकिन 2 साल पहले ही चेस्ट में फिर से थोड़ी तकलीफ हुई। फिर से 4 स्टेंट बिठाए गए।
कर्मसत्ता ने बार बार अपना दाव खेला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दीक्षा के बाद भी मांसखमण का सपना तो अधूरा था। हर बार जब भी मांसखमण करने का समय आता था, आसपास अनेकों मांसखमण होते थे। महाराज साहब ने अपनी कोशिशें बंद नहीं की, 3, 5, 7, 8 इस तरह से उपवास किए। जितनी बार और जितने समय तक शरीर साथ दे रहा था, उतने उपवास करते जा रहे थे, लेकिन अभी भी मांसखमण की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। हर्डल्स आते जा रहे थे, लेकिन कोशिश रोकी नहीं। समय बीतता गया। इस वर्ष महाराज साहब ने साधना भूमि गिरनार में चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। आचार्य श्री ने सहजता से आज्ञा दे दी। सभी महात्माओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, आशीर्वाद के साथ भावपूर्वक विदाई दी। इस वर्ष महाराज साहब को पर्युषण में फिर से मांसखमण करने की भावना हुई और इन्होंने आजीवन अयम्बिल के महान तपस्वी पूज्य आचार्य श्री हेमवल्लभेश्वर जी महाराज साहब के पास जाकर विनंती की कि साहेब मुझे मांसखमण का पचकान दे दीजिए। आचार्य श्री ने कहा कि पहले अठम का पचकान लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। इस तरह से एक एक उपवास कर आगे बढ़ते गए। बीच बीच में थोड़ी शारीरिक तकलीफ भी हुई, लेकिन मन एकदम मक्कम। सभी घबरा गए थे कि हार्ट पेशेंट है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। सब महात्मा पूरा ध्यान भी रख रहे थे, ऊपर नीम जी की कृपा और नीचे हेम जी का आशीर्वाद। और भूमि सामान्य भूमि नहीं, साधना भूमि गिरनार। कहते हैं कि जो साधना कहीं नहीं हो पाती, वो साधना गिरनार भूमि पर पूरी होती है। गिरनार सामान्य भूमि नहीं है, अनंत तीर्थंकरों की साधना भूमि है। अनंत तीर्थंकर गिरनार भूमि में मोक्ष गए हैं। अनंत तीर्थंकरों के इसी साधना भूमि गिरनार से दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हुए हैं और भविष्य में भी होने वाले हैं। तीर्थंकरों की भूमि गिरनार के वाइब्रेशन से इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती है। पूज्य महाराज साहब ने 23 वर्षों से अनेक प्रयास किए। 23 वर्ष कोई कम समय नहीं होता, लेकिन यह 23 वर्ष के बाद जैसे ही ऊपर नेम जी की कृपा और नीचे हेम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो जो तपस्या इतने वर्षों से नहीं हो पा रही थी, वो तपस्या आखिरकार पूरी हुई। यही होता है धार्मिक स्थलों का महत्व, यही होता है कल्याणक भूमियों का महत्व और यही है गिरनार जी तीर्थ की ऊर्जा का महत्व। इस पूरे प्रसंग में दो बहुत बड़ी बातें समझने जैसी है कि कर्म सत्ता चाहे जितना भी दाव खेले, लेकिन यदि मन दृढ़ हो, परमात्मा और जिन शासन पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं। दूसरी बात यह कि साधना भूमि गिरनार के परमाणुओं से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह प्रसंग जानने के बाद हमें हमारे सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे। हाँ, अनुकूलता ना हो तो घर बैठे बैठे भी गिरनार जी की भक्ति कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई विशिष्ट साधना को सफल करनी है या अगर कोई इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करना है, तो गिरनार जी तीर्थ में यह संभव है। ऐसी ही रोचक कहानियां हम लाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कोई बात कही हो तो मिच्छामी दुकड़ा। जय जिन शासन, जय नेमिनाथ, जय जिनेन्द्र।